और हमारे पिंटू जी भी आ जाते के भजन सुनता है वो जमींदार कहलाता है, जो कुर्सी में बैठ करके भजन सुनता है वो कुर्सीदार कहलाता। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग पर एक बार फिर। और मेरे बगल में आप देख रहे हैं जो कि हमारे मेहमान जी हैं, जमशेदपुर से आए हुए हैं बहन के साथ। और सीधा हम लोग पढ़े हैं आज कहाँ पर, साईं मंदिर, साईं बाबा के दरबार पर सीधा कूद पड़े हैं। और काफ़ी भव्य प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, तो चलिए पहले प्रणाम वगैरह करते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम भी देखते हैं, उसके बाद इडली भोग करेंगे फिर और इंजॉय करेंगे। तो ब्लॉग एक है वो है साईं बाबा, चलिए ब्लॉग को अंत तक एंजॉय करें। बोली गणेश जी भगवान की जय, बोली सतगुरु सच्चिदानंद साईं जी महाराज की जय। और आइए जरा दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम है हमारे नितिन प्रकाश जी से। कार्यक्रम को आज एक जीता जाता उदाहरण आज बड़ा ही सुंदर मनमोहक कार्यक्रम है। और पिंटू जी और हमारे पिंटू जी भी आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। राजीव दरबार में और सभी अंदर आए, कुर्सियां खाली है, कुर्सियों में बैठ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़े। सभी साजिंदाओं और सिंगरों से निवेदन है कि आप लोग थोड़े बाएं दाएं के और हो जाए। जरा जोरदार तालियां बजाएंगे। आइए बैठ करके भजन सुनता है वो जमींदार कहलाता है, जो कुर्सी में बैठ करके भजन सुनता है वो कुर्सीदार कहलाता है, और जो चौकी में बैठ करके भजन गाता है, भजन सुनता है वो चौकीदार कहलाता है, और ये जो खड़े होकर भजन सुनते हैं इनको हवलदार कहलाते हैं। तो आप हवलदार ना कहलाएं, आप इस प्रांगण के अंदर में आ जाएं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने स्थिर सरदार कानपुर से आए हुए जरा हरीश चंद्र जी को फिर दोबारा पुनः आमंत्रित कर। बोलिए सतगुरु सच्चिदानंद साईं जी महाराज की जय। जैसे कि मैंने बताया था कि जो बाबा के चरणों में सेवा कर लेते हैं उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। हम मिलकर इनके लिए सेवा करने के लिए आए हैं। मिलती है भाई साहब, पक्का मिलती है ना? तो सोचिए जब यहां नौकरी करेंगे तो कितनी बड़ी तनख्वाह मिलने वाली है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधि ये जिसको चाह लेता है अपने नाम का दीवाना बना देता है। देता है कि लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा और
होकर सही चलेगा। इसलिए कहा कि कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ लोगों ने नहीं बजाई, लेकिन कलाकार जो होता है वो सिर्फ तालियों का ही भूखा होता है। कलाकार कभी मरते नहीं है, जिंदा दफनाए जाते हैं। कब्र खोद कर देखिएगा, आप सभी की तालियों के इंतजार में पाए जाते हैं, तो तालियां जरूर बजाया करिए। पिता की दाद में भलाई छिपी रहती है। आधा मैंने बोल दिया, आधा बोलिए। जैसे कि दूध में मलाई, अभी भी नहीं बदलोगे, मैं बता रहा हूं। पिता की दाद में भलाई छिपी रहती है, जैसे कि दूध में चिकनाई छिपी रहती है। मत समझना इनको पत्थर की मूरत। जो यहां बाबा विराजमान है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि बाबा है कि नहीं है, इसीलिए उनके लिए कह रहा हूं जो ऐसा सोच लेते हैं। मत समझना उनको पत्थर की मूरत, इसी पत्थर की मूरत में साईं बाबा की परछाई छिपी रहती है। साईं जी मेरी नौकरी पक्की करो। देखिए जो बोलेगा, जो बोलेगा, जो बोलेगा उसकी पक्की हो जाएगी, और जो नहीं बोलेगा उसकी क्या होगी, कच्ची हो जाएगी। ठीक है, तो बोलिए एक बार, साईं जी मेरी नौकरी। किसने बोला? अच्छा बोल दिया, क्या बात है। साईं जी मेरी नौकरी, ओहो साईं जी मेरी नौकरी पक्की करो। इसको कहते हैं भक्ति, और जिसके अंदर होती है भक्ति उसके अंदर होती है। हाँ तो बोलिए, साईं जी मेरी नौकरी, आज इनकी तनखा बाबा हो पक्की करो। अब जो आगे में मेरे बाबा के नौकर हैं, वो हाथ पर उठाएंगे। मैंने नौकरों से बोला था, नौकरानियों से नहीं बोला था। साईं जी मेरी नौकरी, रुकावट के लिए खेद हो जाए। क्या हो जाए? रुकावट के लिए खेद हो जाए।
इतना ऊंचा हाथ उठाओ टेंट में छेद हो जाए। इधर आता हूं तो सीट मांगने लगता है। अब जो जो बाबा की नौकरी कर रहे हैं, और दोनों हाथ ऊपर, भजन की आखिरी लाइन है, जिसमें नहीं उठाया हाथ उठा लिया सबने, धमकी का बड़ा असर है। बोले साईं जी मेरी नौकरी, थोड़ा और जोर से बोलिए, हमारे कान पर मेहरबान है। साईं जी मेरी नौकरी, लेकिन कुछ मान सम्मान का कार्यक्रम है। कपूर मंगा लिए, कपूर आइए, जरा मान सम्मान का समय है। देख सकते हैं इस तरह का उत्सव है साईं बाबा का यहाँ पर, और हम लोग पूरा फैमिली आए हैं, फुल फैमिली। कुछ लोग आगे से भीड़ के तरफ से जा रहे हैं। बहन जो है आज ही जमशेदपुर से आई है, साईं बाबा के दरबार में डायरेक्ट लोग आ गए। कैसा लगा? राहुल जी बहन आज जो जमशेदपुर से आए हैं, अब सीधे हम लोग साईं बाबा के दरबार में कूद गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है साईं बाबा का। सब फैमिली यहाँ पर प्रसादी प्रसाद खाते हुए। कैसा लग रहा है रूही, कैसा लग रहा है? हम तो प्रसादी लेने नहीं सके, क्योंकि देखिए मेल का भीड़ ज्यादा है और लेडीज का काम है, वाइफ को दे दे रहे हैं। कितना मजा आया, कैसा लग रहा है भोग? हाँ, कैसा लग रहा है? तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके साईं बाबा के नाम पर लाल बटन यानी कि सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहता है और इस तरह का प्यारा ब्लॉग हमारे चैनल पर आते रहता है। वाइफ जो काफी मेहनत से लेकर आ रही है, बोलो साईं बाबा की जय। तो साईं बाबा के दरबार जो लगा, ये प्रोग्राम तो अभी रात भर चलते रहेगा। आशा करते हैं कि आपको ब्लॉग में अंत तक काफी मजा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। साईं बाबा दरबार के